राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा, आज कई दिनों का रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार आया है। लॉकडाउन की वजह से इस त्योहार पर काफी फर्क पड़ा है। पहले तक लोग ईद कहा और तमाम मस्जिदों में सामूहिक रूप से ईद का विशेष नवाज अदा करते थे। इस बार लॉकडाउन के चलते जैसे कि पहले अपील की गई थी, सभी मुस्लिम धर्मावलियों ने अपने घरों और चुनिंदा लोगों ने मस्जिदों में नवाज अदा की। किले के अंदर स्थित इमाम बाड़े में भी चुनिंदा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नवाज अदा की। वहीं मुस्लिम समाज द्वारा ब्लड डोनेट का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के जिला प्रवक्ता सोहेल अहमद बबलू ने बताया कि ईद के त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार वरिष्ठ जनों ने ब्लड बैंक पहुंचकर जरूरतमंदों को रक्तदान किया। इस अवसर पर अनस आलिम साहब, मुसीब आलिम साहब, वहीं मुस्लिम समाज के जिला प्रवक्ता सोहेल अहमद बबलू सहित अन्य मुस्लिम समाज के समाज बंधु द्वारा रक्तदान किया गया। हमारा भी योगदान रहे, इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हॉस्पिटल के अंदर ब्लड डोनेट करने के लिए। लोगों को बधाई देते हमारे आलिम साहब, दानिश आलिम साहब, मुसीब आलिम साहब, ये सारे के सारे लोग मौजूद हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सोहेल अहमद बबलू, मुस्लिम समाज जिला प्रवक्ता की से आज ईद का मुबारक देने और इस ईद के मुबारक दिन पे आज यहाँ पर आलिम और हाफिजों की टीम ने यहाँ ब्लड डोनेट करने आए। देश के अंदर जो महामारी फैल रही है उसके अंदर आज बहुत ज़रूरत है, कई मैसेज चल रहे हैं कि ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें। तो आज हमारे पूरे आलिम हैं यहाँ पर, हाफिज हैं, मुस्लिम समाज की तरफ से, मदरसों की तरफ से यहाँ पर ब्लड डोनेट का काम किया। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।